क्लास सिक्स आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे मेंटेन होता है बैलेंस एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब प्लांट्स जो हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज सिमिलर वे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डू। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कैसे मेंटेन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग डे टाइम। प्लांट्स जो होते हैं दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड या ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड गेव आउट ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर और जो कंसेंट्रेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की रिलीज करते हैं एटमोसफियर में दैट इज डबल और ट्रिपल देन द अमाउंट दे कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो कंज्यूम करते हैं अमाउंट उससे दो या तीन गुना ज़्यादा होती है वो एज कम्पेयर टू दैट दे यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इन सिमिलर वे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर आपके एनिमल्स होते हैं दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाई प्लांट्स फॉर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड दैट प्लांट्स गिव आउट द ऑक्सीजन टू द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स फॉर कैरिंग आउट द ब्रीदिंग प्रोसेस। दिस इज हाउ द बैलेंस इज मेंटेन इन द एटमोसफियर ऑन द नेचर बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, वुड हो गया आपका, ठीक है, इंडस्ट्रीज में से डेंजरस जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एंड एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स इन फॉर्म ऑफ स्मोक विच कंटेन्स कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द लार्ज अमाउंट विच कॉजेज कंटेमिनेशन ऑफ एयर एंड मेक द एयर अनफिट फॉर ब्रीदिंग पर्पज दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ओके, कफ, स्नीजिंग, skin infections, skin allergies, irritation in the eyes, irritation in the throat. Next hamare paas smoke. Smoke kya hota hai? Smoke is combination of fog as well as aapka that is a smoke that is coming out from industries and the emission of the fuels. Wo kya hota hai? Mix ho jati hai dusre ke sath aur smoke ki formation hoti hai. Wahi same problems jitne different hai wo respiratory disorders can occur due to the smoke. ठीक है, नेक्स्ट चलते अब हम अपने इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज के, दैट इज रिगार्डिंग एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे फिगर में देख रहे हो आप लोग एसिड रेन कैसे बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज विच आर रिलीज फ्रॉम एटमोसफियर। जितने भी गैसेज जो हैं रिलीज इन द एटमोसफियर होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड एमिशंस फ्रॉम द फ्यूल्स वो मिक्स होती जाके कहाँ पे वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स में जो वाटर होता है या कंडेंसेशन में एयर में इंक्रीज होते हैं कंसेंट्रेशन उनकी क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं वाटर के साथ मिक्स करती हैं देन दैट वाटर फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर एंड द रेन वाटर दैट कंटेन एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन इज द टाइप ऑफ रेन विच कैन एसिडिक कंटेंट इन लार्ज अमाउंट। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में होते हैं, वाटर और सनलाइट के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू नाइट्रिक एसिड। जो कि आपके जब रेनफॉल की वजह से क्या होता है डिफरेंट टाइप वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर देते हैं, पॉइजन नेचर बना देते हैं, सोयल को पॉइजनस कर देते हैं, ठीक है, एंड आल्सो कॉल्ड कोरोजन ऑफ दी लाइनस्टोन। जैसे ताजमहल का मैंने अभी क्लास में बताया था कलर चेंज करने में बहुत बड़ा रोल होता है, कोरोड कर देते हैं उसको। दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड एसिड रेन कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द एमिशंस रिलीजिंग फ्रॉम माय इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रीड करेंगे रिगार्डिंगली। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ड्यू टू एमिशंस फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड हो गई गैस, ठीक है, एंड मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फार्मूला CO2, मिथेन केमिकल फार्मूला CH4, उनकी कंसेंट्रेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है एटमोसफियर में। जब अर्थ पे सन की रेडिएशन पड़ती है देन दीज आर रेडिएटेड बैक बाय द अर्थ, जितनी चाहिए होती है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं बाकी रिफ्लेक्ट होती हैं। मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन है दे ट्रैप बाय दैट पर्टिकुलर हीट एंड प्रोवाइड्स अ हीटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मगर क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली द अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द एटमोसफियर। ठीक है, और ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटमोसफियर कंसेंट्रेशन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाई डे बिकॉज दीज आर द गुड अब्जॉर्बर, दीज गैसेज आर गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग।
But the gases which are responsible for global warming are called greenhouse gases, and the effect that is called global warming or greenhouse effect. And the harmful effects are that the polar glaciers melt ho jate hain sare, theek hai, usse hamare ground water apne rivers jo hoti hain lakes se oceans mein river ki water ki jo concentration hai wo increase ho jati hai, which can lead to floods और इवन ड्रॉट्स भी हो सकते हैं अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाए तो. ठीक है, दिस इज सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स विच कैन अकर टू ग्लोबल वार्मिंग. दैट इज़ फॉर टुडे. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.